नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज से शुरू करूंगा अपनी बात। विद्यार्थी जीवन में हर विद्यार्थी का एक स्वप्न होता है कि मैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करूं, और जब अच्छी शिक्षा की बात आती है तो बात जिन विश्वविद्यालयों की चर्चा होती है उसमें JNU का नाम सबसे ऊपर आता है। तो मेरे लिए आज ये बहुत हर्ष का विषय है कि जिस विश्वविद्यालय में मैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका, आज मुझे वहाँ पर आकर किसी विषय पे आप सबको संबोधित करने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ JNU के सभी लोगों का, मंचासीन सभी अतिथियों का। जैसा कि विषय है पॉपुलेशन पॉलिसी नेसेसिटी, इसमें दो तीन चीज़ें मैं बिंदुवार रखने का आपको प्रयास करूंगा आपके समक्ष, जिससे कि इस विषय को आप भली प्रकार समझ पाए। पहली चीज, पॉपुलेशन पे आज हमें चिंता करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। दूसरी चीज, कब कब विश्व में जनसंख्या के ऊपर चिंता की गई और कब कब क्या क्या प्रयास आज तक किए गए हैं, क्या प्रयास और होने हैं, और जो उचित प्रयास किए जाने हैं क्या उससे हम इस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। तो पहली चीज, जनसंख्या हमारे विश्व की कैसे बढ़ी। मानव सभ्यता को 1.5 लाख से अधिक साल लगे इस धरती की आबादी को 100 करोड़ पहुंचाने में। सन 1804 में हमारी इस धरती की पॉपुलेशन 100 करोड़ पहुंची थी, 1.5 लाख साल की मानव सभ्यता के बाद, जैसा कि वैज्ञानिकों का कहना है। 1804 के बाद हमें मात्र लगभग 200 साल लगे उस पॉपुलेशन को 100 करोड़ से लगभग 800 करोड़ पहुंचाने में। तो विषय सोचने का जरूर उत्पन्न होता है। जैसे ही 100 करोड़ की पॉपुलेशन विश्व ने क्रॉस की, उसी समय के कुछ बुद्धिजीवियों को बड़ी चिंता होनी शुरू हुई थी, जो कि स्वाभाविक भी थी, क्योंकि अगर हम देखें 10,000 ईस्वी पूर्व, 10,000 वर्ष ईस्वी पूर्व, वैज्ञानिकों का कहना है कि इस धरती पर जितने भी जीव जंतु थे, जितने भी जीवित प्राणी थे, उसमें 99% वन्य जीव जंतु थे और 1% इंसान हुआ करते थे। और आज स्थिति यह आ गई है कि 1% वन्य जीव जंतु हैं और 99% हम इंसान या हमारे पालतू जानवर हैं। तो चिंता होना स्वाभाविक था, इसीलिए हमारे देश में भी इस चीज की चिंता की गई, सबसे पहले 1931 में। और 1931 में हमारे देश में पहला बर्थ कंट्रोल क्लिनिक खोला गया, जिससे कि जिसका उद्देश्य था कि हम लोगों को जागरूक कर सकें, उन्हें बता सकें कि छोटा परिवार रखकर आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का ही भला नहीं करते, इस सृष्टि का भी भला करते हैं, क्योंकि इस सृष्टि के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को आप कम करते हैं। मानव अस्तित्व के लिए जीवित रहना, जीवित रहने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहली चीज है पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा, और खाने के लिए भोजन।
तो जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ इस सृष्टि पर, तो आप सब लोगों ने भी पढ़ा होगा कि वो सब पहले नदियों के किनारे बसे, क्योंकि पानी बहुत जरूरी था। धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई तो वो नदियों से थोड़ा दूर हटना शुरू हुए। पानी फिर भी चाहिए था, उसके लिए तालाब बनाए गए, कुएं खोदे गए, नहरें बनाई गईं। आबादी और ज्यादा बढ़ी तो एक कुआं एक गांव में कैसे सब लोगों का जीवन यापन हो सकता है? लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हुई तो उस एक गांव में एक कुएं के स्थान पर 10 हैंडपंप लगा दिए गए। आबादी और बढ़ी, हैंडपंप पे भी लंबी लंबी लाइन लगने लगी, तो फिर टैप वाटर सबके घरों में पहुंचा दिया गया। तब तक पानी शुद्ध मिलता था, अब जब वो टैप वाटर से पानी जाना शुरू हुआ तो पानी की क्वालिटी में भी अंतर आना शुरू हो गया। आबादी और बढ़ी, वो देश जिस देश में कहा जाता है कि इस देश में दूध की नदियां बहती थी, आज स्थिति वो है कि वही देश पानी की नदियों के लिए भी तरस रहा है। जब इस देश में पहला मिनरल वाटर की बॉटल लॉन्च हुई तो हमें लगता था कि इस देश में कोई पानी खरीदेगा, और आज उस एक लीटर की जो पानी की बॉटल है उसका साइज भी 200 ml हो गया है। तो नदियों के किनारे बसने वाली सभ्यता आज वो 200 ml के पानी की बॉटल तक आ गई है। और अभी रिसेंटली नीति आयोग की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया, पूरे देश को, ये बताकर कि 2020 में इसी वर्ष हमारे देश के 20 महानगर ऐसे होंगे जहां पर अंडरग्राउंड वाटर लेवल जीरो हो जाएगा। तो जीवित रहने के लिए पानी बचेगा ही नहीं। हम सुनते थे कि तृतीय विश्व युद्ध जब भी होगा तो वो पानी के लिए होगा, और आज हम देख रहे हैं कि हमारे ही देश में अनेक राज्य आपस में नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर लड़ रहे हैं। तो स्थिति पानी पे विश्व युद्ध होना हो या ना हो, लेकिन हमें तो जरूर युद्ध लड़ना पड़ेगा पानी के लिए। दूसरी चीज आती है सांस लेने के लिए, हवा। सांस लेने के लिए हवा के बारे में मुझे कुछ आपको इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोग देश की राजधानी दिल्ली महानगर में रहते हैं, और शायद आप लोगों को भी जरूर पॉल्यूशन का अवकाश मिलता होगा साल में एक बार दिवाली के आसपास। 15 लाख लोग हमारे देश में हर साल वायु प्रदूषण से मरते हैं, ये WHO की रिपोर्ट है। 1938 में हिटलर ने जिसे सबसे बड़े नरसंहार की संज्ञा दी गई, बताया कि 60 लाख ज्यूज को, यहूदियों को, गैस चैम्बर में भरकर मारा था 5 सालों में। और हमारे यहां हर साल 15 लाख लोग उसी गैस चैम्बर में उसी एयर पॉल्यूशन की वजह से मरते हैं, लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। तीसरी चीज आती है जीवित रहने के लिए, खाने के लिए भोजन। हमारा देश आजाद हुआ, पूरे विश्व के 2.4% भूभाग इस भारत के पास, और उस भूभाग से, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश थे, हमने सुना है ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत आई, वो भी व्यापार के लिए आई थी, वो भी कृषि के प्रोड्यूस के लिए आई थी, वो भी मसालों के लिए आई थी। तो
हमें उस आबादी का पेट पालना था, कोई चिंता का विषय नहीं था। 36 करोड़ हमारे देश की आबादी थी। तब से आज तक जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, लेकिन कृषि भूमि घटती गई। फिर भी जब सब लोगों का इस बढ़ती हुई आबादी का पेट पालना था तो क्या करा जाए? प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी पड़ेगी। खाद्यान्न उत्पादन हमारा 1947 की तुलना में आज 5 गुना बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करा गया। 1961 में जितना केमिकल फर्टिलाइजर हमारे देश में यूज होता था, आज उससे 100 गुना लगभग ज्यादा यूज होता है। और यही कारण है कि बड़े बड़े रिवॉल्यूशन खाने के लिए, क्योंकि हमें सबका पेट भरना है, जो किए गए, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वाइट रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? हमने प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाई, लेकिन क्या क्वालिटी बढ़ पाई? या बढ़ नहीं पाई तो क्या हम उसे मेंटेन रख पाए? जिस जगह ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादा सफल हुआ, उस जगह से हमारे देश में एक कैंसर स्पेशल ट्रेन चलने लगी है। सुबह से लेकर शाम तक इस देश का कोई भी व्यक्ति जो भी कुछ खाता है, कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि हाँ, मैं आज मैंने ये चीज 100% प्योर खाई है। तो जब हमें पीने के लिए जल नहीं मिलेगा शुद्ध, सांस लेने के लिए वायु नहीं मिलेगी शुद्ध, और खाने के लिए शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा, तो भारतीय संविधान के हिसाब से जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमें राइट टू लाइफ दिया गया है, उसका हनन हो रहा है या नहीं, ये हम लोगों को जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल हमारी आजादी के बाद हमारे देश ने यह समझ लिया था कि जो हमारी ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, ये आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। इसीलिए 1952 में, एकदम आजादी के बाद और हमारे पहले सेंसस के बाद ही, दुनिया का पहला देश था भारत जिसने पहला ऑफिशियल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च करा। तो चिंता हमें उस समय थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह भी है कि दुनिया का पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश आज दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री बन गया है। कुछ लोगों को मेरे इस बात पे आपत्ति भी जरूर होगी या संशय भी जरूर होगा, जो मैंने कहा सबसे पॉपुलस कंट्री बन गया है, वो क्यों बन गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 1952 के बाद 1974-75 में हमारे देश में स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स हुए। जरूरी था देश की आबादी को नियंत्रित करना, लेकिन शायद उसके तरीकों में कुछ भूल हो गई, जिसका दंड हमारा देश आज तक भुगत रहा है कि कोई भी कानून निर्माता इस विषय को छूना पसंद नहीं करता। 1976 से पहले हमारे संविधान में फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन नाम का कोई शब्द नहीं था। 1976 में 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा उस चीज को हमारे संविधान में जोड़ा गया। जब हमने जोड़ा और हमने पॉपुलेशन कंट्रोल की ओर प्रयास करना शुरू करा, तो उसी समय दुनिया का दूसरा हमारा पड़ोसी मुल्क, जो कि आबादी जिसकी
लगभग हमारी जितनी ही थी, जो हम दोनों देश मिलके उस समय की दुनिया की 36% आबादी हम दो देशों की थी, तो उसे भी चिंता हुई। चाइना की मैं बात कर रहा हूं। चाइना को लगा कि अगर भारत ने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया, तो क्योंकि उस समय भारत की और चाइना की दोनों की इकोनॉमी बराबर थी, क्योंकि उस समय भारत की और चाइना की पर कैपिटा इनकम बराबर थी, और जबकि चाइना साइज में हमसे 3 गुने से भी ज्यादा बड़ा है, तो चिंता होना स्वाभाविक था कि हमारा पड़ोसी देश हमसे आगे ना निकल जाए। इसलिए 1978 में चाइना भी अपनी वन चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आया। कुछ लोग बड़ा भ्रम फैलाते हैं कि चाइना की अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी फेल हो गई, इसलिए उसने उसे बैक कर लिया, वो 2 चाइल्ड नॉर्म पर आ गया है। लेकिन शायद उन लोगों ने उस पॉपुलेशन पॉलिसी को ध्यान से पढ़ा नहीं होगा। चाइना 1978 में अपनी जब वन चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आया, तो वो टारगेटेड पॉपुलेशन पॉलिसी थी। वो 35 साल के टारगेट के लिए लेकर आया। टारगेट था 35 साल में 40 करोड़ बर्ड्स को कंट्रोल करने का। उन्होंने 35 सालों में, लगभग 38 सालों में 40 करोड़ बर्ड को कंट्रोल किया, और उसके बाद वो उस रिप्लेसमेंट लेवल पे रखने के लिए 2 चाइल्ड नॉर्म पर दोबारा वापस आ गया। 40 करोड़ बर्थ को कंट्रोल करने अगर वो चाइना नहीं करता, जैसे डॉक्टर अनिल सिंह जी ने बताया अभी अपने वक्तव्य में, तो उसे उस पैसे का, जिसका देश को चलाने के लिए, संचालन के लिए जो करदाता, जो टैक्स पेयर जो पैसा देता है, उसका उपयोग उन्हें उस 40 करोड़ लोगों के वेलफेयर स्कीम्स में करना पड़ता। लेकिन उसने उस पैसे का उपयोग कहां करा, सबको पता है। और आज चाइना की इकोनॉमी क्या है और हमारी क्या है, यह भी सबको पता है। हमें आज क्या करना पड़ रहा है, हमें आज भी घरों में शौचालय बनाने पड़ रहे हैं। तो 1978 में चाइना जब अपनी वन चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आया, 74, 75, 76 के दौरान भारत ने बड़े जोर शोर से जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया, तो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज को चिंता होनी स्वाभाविक थी, क्योंकि उन लोगों के लिए हम एक बाजार थे। चिंता पहले से थी। 1969 में UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का गठन किया गया। धीरे धीरे 1974 में UNFPA के द्वारा पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन कराई गई, आयोजित। उसके बाद अगली कॉन्फ्रेंस 1984 में कराई गई। उस 1984 की कॉन्फ्रेंस में एक वर्ड इंट्रोड्यूस करा गया, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। हमें जनसंख्या को नियंत्रित तो जरूर करना है, लेकिन वो वॉलंटरीली होना चाहिए, ऐसा बताया गया। 1987 में जब दुनिया की आबादी 1987 में जब 500 करोड़ पहुंची, तो और ज्यादा चिंता हुई। 1994 में जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ICPD इजिप्ट में कायरो में बुलाई गई, तो उसमें 2 चीजों पर बड़ा बल दिया गया। एक नया वर्ड निकल कर आया, रिप्रोडक्टिव राइट्स। रिप्रोडक्टिव राइट्स मतलब प्रजनन का अधिकार। बताया गया कि वो अधिकार महिलाओं का है,
तो इसलिए कोई भी फोर्सफुली ये नहीं कह सकता कि उसे कितने बच्चों को जन्म देना है, वो उसका अधिकार उसका स्वयं का है। लेकिन क्या हमारे देश में हमारे देश की महिला को ये अधिकार है कितने बच्चों को जन्म देना है? ये उसका पति निर्धारित करता है, उसकी सास निर्धारित करती है, उसकी जेठानी, उसकी ननद, उसके मोहल्ले पड़ोस वाले। अभी 3 ही बेटी हुई हैं, बेटा चाहिए। तो क्या उसके रिप्रोडक्टिव राइट्स उसे मिल पा रहे हैं? नहीं, उनका हनन हो रहा है, कोई उसका शोषण कर रहा है। उसे उसका रिप्रोडक्टिव राइट कब मिलेगा? उसे उसका रिप्रोडक्टिव राइट तब मिलेगा जब उसे हम मना करने का अधिकार देंगे, जब उसे हम एक कानूनी सहारा देंगे कि वो कह सके अपनी सास से कि माता जी, 2 बेटियों के बाद तीसरे बेटे के लिए मैं प्रयास कर तो लेती, लेकिन ये कानूनी कुछ नियम का देश की सरकार ने बनाए हैं, ये बीच में आते हैं, तब मिल पाएंगे उसे रिप्रोडक्टिव राइट्स। हमने इस चीज को देखते हुए देश भर की ऐसी महिलाओं का सर्वे किया जिनके 3 या उससे ज्यादा बच्चे थे, तो उनसे उनकी लाइफ स्टोरीज पूछी। हमें पढ़ी लिखी महिला से लेकर और दूर ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र की ग्रामीण महिला, आदिवासी महिला, कोई भी ऐसी नहीं मिली जिसने ये कहा हो कि मैं ज्यादा बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ। सबने कहा पति की वजह से, सास की वजह से, और सब पीड़ित दिखाई दी। क्यों? वो इसलिए पीड़ित दिखाई दी क्योंकि सबसे ज्यादा चिंतित, सबसे ज्यादा परेशान इस दुनिया में कोई होता है तो वो अपने बच्चों की दशा को देख के उसकी माँ होती है। एक महिला ने बहुत ही अच्छी सी बात कही। उसने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं अपने बच्चों को शुद्ध दूध भी नहीं पिला पाती हूं, और सच्चाई है हमारे देश में 70% से ज्यादा दूध पीने योग्य नहीं है। तो जब ये रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात हुई और साथ में बात हुई रेस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग की, कि अभिभावक को अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए कि वो जिन बच्चों को जन्म देने जा रहे हैं उनका वो लालन पालन अच्छे से कर पाएंगे या नहीं, क्या उनके पास इतने रिसोर्सेस, इतने संसाधन हैं, इस चीज को सोचते हुए बच्चों को जन्म देना चाहिए। ठीक 1994 आईसीपीडी कन्वेंशन से पहले, 2 वर्ष पहले 1992 में भारत ने फिर से बड़ा प्रयास करा जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन वो चीजें ज्यादा लोगों को पता नहीं चली। करणाकरण कमेटी बनाई गई देश की पॉपुलेशन पॉलिसी बनाने के लिए। 79th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में लाया गया 1992 में इस चीज के लिए कि जितने भी एमपी और एमएलएज हैं, इस देश के कानून निर्माता हैं, वो सिर्फ उस पद के लिए वही लोग चुनाव लड़ पाएंगे जिनके 2 या उससे कम बच्चे होंगे। 1993 में ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स में एक सेक्शन 17A इंट्रोड्यूस करा गया जिसमें कहा गया एवरी मेंबर ऑफ द सर्विस इन हिज पर्सनल कैपेसिटी और अदरवाइज शैल ऑब्जर्व द 2 चिल्ड्रन फैमिली नॉर्म। तो जिन्हें कानून का निर्माण करना है उनके लिए पहले कानून लाने का प्रयास करा गया बनाने का,
और जिन्हें उस कानून को पालन करवाना है उन्हें भी बाध्य करा गया कि आप भी इस चीज का पालन करें, क्योंकि आप लोग रोल मॉडल्स हैं, आपको देख के समाज सीखेगा। आप गांव में जाइए, कस्बों में जाइए, किसी कलेक्टर का घर देखता है, किसी कप्तान का घर देखता है, तो वो कहते हैं बड़े होके तुम्हें भी ऐसा ही बनना है, क्योंकि वो रोल मॉडल्स हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि एक ओर तो हमारे यहां 1992-93 में इतने प्रयास जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए जा रहे थे, वहीं 1994 में जब ICPD कन्वेंशन हुआ, भारत भी उसमें सिग्नेटरी है, वहां पर भारत मूक दर्शक बैठ के चुप बैठकर वापस आ गया। उन्होंने कोई भी अपना पक्ष वहां पर नहीं रखा। क्यों रखा नहीं या रखने दिया नहीं गया? में कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन, वेंकट चलैया कमीशन हमारे देश में गठित करा गया। वेंकट चलैया कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी कि भारतीय संविधान में क्या क्या बदलाव अब किए जाने चाहिए, जिसकी रिपोर्ट 2002 में सरकार को सौंपी गई। उस रिपोर्ट में कहा गया कि सेक्शन की आर्टिकल 20 और आर्टिकल 47 के अंतर्गत एक सेक्शन ए और जोड़ना चाहिए, 47A, जिसमें छोटे परिवार रखने वाले, हम दो हमारे दो, सुखी परिवार, ऐसी परिकल्पना वाले लोगों को इंसेंटिवाइज करें और अपने स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के लिए कोई पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई जाए। उस चीज को लेकर अभी रिसेंटली 7 फरवरी को राज्यसभा में शिवसेना के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अनिल देसाई, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल भी राज्यसभा में फाइल किया है। 2002 की वेंकट चलैया कमीशन के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 2001 का सेंसस था, 2011 का सेंसस है, और अब तीसरा सेंसस हमारा 2021 में होने वाला है। वर्ष 2000 में 11 मई को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एक बच्ची का जन्म होता है। उस बच्ची का नाम है आस्था अरोड़ा। भारत सरकार ने बताया कि वो इस देश का 100 करोड़वा बच्चा था। तो इसका मतलब यह है कि वर्ष 2000 में 11 मई 2000 को हमारे देश की आबादी आधिकारिक रूप से 100 करोड़ हो गई थी। जो मैंने अभी आपसे पहले कहा कि देश की वास्तविक आबादी है क्या, विभिन्न सरकारी आंकड़े, विभिन्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आंकड़े ये बताते हैं कि वर्तमान में भारत की आबादी लगभग 137 करोड़ है। 137 करोड़ का मतलब है कि इससे पहले 19 साल बीत चुके हैं 2000 के बाद से, जब भारत की आबादी 100 करोड़ हुई। तो इसका मतलब लगभग 2 करोड़ पर एनम का इंक्रीज। वहीं अगर हम देश की बर्थ रेट और मॉर्टिलिटी रेट को देखें तो हमारे देश में हर साल 2,40,00,000 बच्चों का जन्म होता है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से,
और हर साल हमारे देश में लगभग 88 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो इसके हिसाब से हमारा एनुअल इंक्रीज आज के समय पर 1.5 करोड़ होना चाहिए, 2000 में तो और कम होना चाहिए था। तो फिर ये 37 करोड़ हम कैसे बढ़ गए? ये उन लोगों से पूछने की आवश्यकता है जो लोग भ्रम की स्थिति इस देश में पैदा करते हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग, और कहते हैं कि भारत को किसी भी तरह के जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत का फर्टिलिटी रेट अब कम हो रहा है और हम लोग रिप्लेसमेंट लेवल को अचीव कर रहे हैं। फर्टिलिटी रेट क्या है? 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के आयु के बीच में जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने पूरे जीवन काल में जितने बच्चों को जन्म देती हैं वो उसका फर्टिलिटी रेट कहलाता है। उन सबका एवरेज अगर हम देखें तो हमारे देश में 15 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक बहुत कम विवाहित महिलाएं हैं और लगभग 35 वर्ष की आयु से लेकर और 45 वर्ष की आयु के बीच का फर्टिलिटी रेट कुछ होता ही नहीं है। तो अगर आप सिर्फ 18 वर्ष की आयु से लेकर और 35 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं का फर्टिलिटी रेट देखेंगे तो स्थितियां कुछ और नजर आएंगी। हमारे देश में अभी एक स्कीम चली, आधार कार्ड बनाने की स्कीम। हमारे देश में अब तक लगभग 125 करोड़ आधार कार्ड बन चुके हैं और आधार ने अपनी वेबसाइट पर पूरी डिटेल्स दी हैं, स्टेट वाइज, पॉपुलेशन वाइज, 0 से 5 साल के कितनी पॉपुलेशन के आधार कार्ड बनने थे, 5 से 18 में कितने बनने थे, 18 एंड अबव कितने बनने थे, वो पूरी डिटेल उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आधार ने बताया कि लगभग 134 करोड़ आधार कार्ड, 134 करोड़ पॉपुलेशन 2018 में भारत की थी जिसके आधार कार्ड बनने थे। तो उसमें करीबन 8 राज्य ऐसे हैं जो अपनी टारगेटेड, जो उनकी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन थी जिसके आधार कार्ड बनने थे, उसे ओवर अचीव कर चुके हैं, जिसमें ये दिल्ली भी है। 100 लोगों के आधार कार्ड बनने थे, 122 लोगों के बन चुके हैं। तो ये ओवर अचीव क्यों हो रहे हैं? तो इस चीज से आपको पता लगता है कि जो भी आंकड़े जनसंख्या को लेकर हमारे देश में दिए जाते हैं उसमें बहुत विरोधाभास है। 2017 में चाइना ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री चाइना नहीं, भारत है। उसी आर्टिकल को पढ़ के हम लोगों को इसकी वास्तविकता में जाने की, इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता पड़ी। वहीं 2017 में प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस, सबने नाम सुना होगा, मई 2017 में टाइम मैगजीन में उनका एक आर्टिकल छपा और उन्होंने कहा कि अगर मानव सभ्यता को इस धरती पर अपने अस्तित्व को बचाना है तो या तो वो जनसंख्या नियंत्रण कर ले, नहीं तो 100 वर्षों के बाद वो दूसरे ग्रह की खोज कर ले, क्योंकि ये धरती रहने के लायक नहीं बचेगी। वहीं अगस्त 2017 में एक टाइम्स एजुकेशन ग्रुप ने दुनिया भर के 50 नोबेल प्राइज विजेता विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बुलाया थाईलैंड में और एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में उन 50 नोबेल प्राइज विजेता लोगों का कहना था कि इस सृष्टि के लिए जो सबसे बड़ी खतरा, जो सबसे बड़ी समस्या है वो जनसंख्या की है।
जब आईसीपीडी 1994 में हुआ, उससे पहले 1992 में दुनिया भर के 1700 वैज्ञानिकों ने एक पत्र लिखा, उस पर हस्ताक्षर किया और इस बढ़ती हुई आबादी को सबसे बड़ी समस्या बताया। और उसी के क्रम में 2017 में फिर से दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इकट्ठा करा गया और 20,000 वैज्ञानिकों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करे और इस आबादी को इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बताया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान भारत का है। ...1968 में फॉरेन पॉलिसी ग्रुप के द्वारा दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले वैज्ञानिकों को बुलाया गया था और उनसे उनके क्षेत्र में चल रहे डेवलपमेंट्स, रिसर्च के विषय में जानकारी ली गई। उन सारी जानकारियों को एक किताब में संग्रहित किया गया। उस किताब का नाम रखा था टूवर्ड्स द ईयर 2018 कि आज से 50 साल बाद दुनिया कैसी होगी। और 2018 में जब आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, खुद एहसास होगा कि जिस स्मार्टफोन्स की को आप यूज करते हैं, जिसकी उस जमाने में कल्पना भी नहीं करी गई थी, वो सारी चीजें भी उसमें मेंशन है। हाँ, साथ में एक चीज और मेंशन है कि 2018 में जो ये मानव सभ्यता होगी, ये 1968 वाले पर्यावरण के लिए, संसाधनों के लिए तरस रही होगी, जो कि वास्तविकता भी है। तो दुनिया भर के इतने वैज्ञानिक, इतने बुद्धिजीवी जो सब इस विषय पे चिंता बताते हैं, कभी कभी उन सब का ज्ञान हमारे देश के कुछ चुने हुए चंद बुद्धिजीवियों के सामने बड़ा बौना सा साबित होने लगता है। हमारे यहां कहा जाता है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण की आप बात करेंगे तो आप किसी संप्रदाय विशेष की ओर देख रहे हैं, उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं आप, क्योंकि पूरा युवा हैं और इस संस्थान से विचारों का जन्म होता है जो कि पूरे देश में, दुनिया में फैलते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप उन सब लोगों को एक बात का जरूर उत्तर दीजिएगा, 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे देश में लगभग 34 करोड़ विवाहित महिलाएं थीं, उसमें से लगभग 18 करोड़ महिलाएं वो थीं, 18 करोड़ 19 लाख महिलाएं वो थीं जिनके दो या उससे कम बच्चे थे और 15 करोड़ 76 लाख महिलाएं वो थीं जिनके तीन या उससे ज्यादा बच्चे थे। तो वो 15 करोड़ 76 लाख जो महिलाएं थी वो किस वर्ग विशेष की थी, जरा उन व्यक्तियों से पूछिएगा। राजनीति के कारण, खास तौर से 1975 के बाद से इस विषय को अलग रूप दे दिया गया। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में चिंता नहीं करी गई, सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को छोड़ते हुए, उनसे ऊपर उठते हुए आज तक भारतीय संसद में 40 सांसदों ने प्राइवेट मेंबर बिल इस सब्जेक्ट के ऊपर फाइल किया है, पॉपुलेशन के ऊपर। लेकिन अफसोस, आज तक किसी भी बिल पे चर्चा का समय नहीं मिल पाया। 2018 में, दिसंबर 2018 में लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल फाइल किया गया, रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड एक्ट, जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम। 125 सांसदों ने हस्ताक्षर किए, समय मांगा सदन में चर्चा के लिए,
लेकिन समय नहीं आवंटित हो सका। लेकिन हम लोगों के लिए हर्ष का विषय तब आया जब 15 अगस्त को 2019 को लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस विषय को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि छोटा परिवार रखकर भी लोग बाग देश सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वो हैं जो अपने परिवार को नियोजित रखते हैं, कम बच्चों को जन्म देते हैं और देश की प्रगति में योगदान करते हैं, लेकिन कुछ लोग वो हैं जो शायद ज्ञान के अभाव में या कुछ राजनीतिक लोगों के प्रभाव में इन सारी थ्योरीज को नकार देते हैं, अधिक बच्चों को जन्म देते हैं और सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। हमेशा से एक बात और हुई कि जनसंख्या नियंत्रण की बात अगर हम करते हैं तो हम जो मार्जिनलाइज लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन पे आघात, उनको टारगेट करने की बात करते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे देश में 1961 में पहला बीपीएल सर्वे हुआ, उस समय हमारे देश में अति गरीब लोगों की संख्या थी 19 करोड़। 2011 के बीपीएल सर्वे में वो संख्या बढ़कर हो गई 36 करोड़। और अगर आप यूनाइटेड नेशंस के पैरामीटर्स की बात करें तो उसके हिसाब से 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो गरीबी हटाओ का नारा तो हम वर्षों से सुनते आए हैं और हमेशा से वेलफेयर स्कीम्स चलती आई हैं। आज हम हमारा देश हर गरीब के घर में रोशनी बिजली पहुंचा रहा है, हर गरीब के घर में चूल्हा पहुंचा रहा है, हर गरीब के घर में शौचालय बनवा रहा है। लेकिन ये भी तो सोचने की आवश्यकता है कि अगर आपने एक बार इस पॉपुलेशन को सैचुरेट कर दिया तो आज के बाद जिनका जन्म होगा, हम लोग हर साल 2 करोड़ बढ़ रहे हैं, तो अगले 25 साल बाद बढ़ने वाली उस 50 करोड़ आबादी के लिए वो शौचालय कहां से आएंगे? जिन लोगों को हम गरीबी से ऊपर उठाना चाहते हैं, हम तो दोबारा से उसी स्थिति में दोबारा आकर खड़े हो जाएंगे। वास्तविक मायने में अगर हमें इस देश से गरीबी का समाधान करना है तो हमें अपनी डिमांड्स को रोकना होगा और डिमांड्स को रोककर ही हमारे जो पिछड़ गए हैं भाई लोग उन्हें हम मुख्य धारा में ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति के कारण, वोट बैंक के कारण इस सारे विषय को कोई नहीं छूता, इस सारे विषय की कोई चिंता नहीं करता और हमेशा बात इस विषय को लेकर एक ही चीज के लिए की जाती है कि यह धार्मिक आधार, ये गरीब विरोधी। लेकिन सच्चाई क्या है कि जब हम पढ़े लिखे लोग, कोई भी पढ़ा लिखा समाज का व्यक्ति अपनी पॉकेट को देखकर, अपनी आमदनी को देखकर, अपने रिसोर्सेस को देख के अपना फैमिली साइज डिसाइड करता है, तो क्या इस देश का फैमिली साइज इस देश की पॉकेट को देख के डिसाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
क्या करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि 1974 से लेकर आज तक भारत सरकार ने भारतीय करदाता का लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर खर्च किया है। और अगर हम उसे रियल टाइम वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो वो लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास बनता है। तो 20 लाख करोड़ जो कि भारत का एक साल का रेवेन्यू कलेक्शन है, इतना पैसा हमने अपने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स पे, अवेयरनेस पे, शिक्षा पे खर्च कर दिया, जागरूकता पे खर्च कर दिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? हमारी आबादी 100 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई है। तो जब अवेयरनेस से काम नहीं चलता तो फिर कोई नीति बनाने की आवश्यकता होती है। किनके लिए बनाने की आवश्यकता होती है? हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि आज हम रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने यह भी सोचा है कि जिस बच्चे को हम जन्म देने जा रहे हैं, जो अभी इस दुनिया में है ही नहीं, उसके ह्यूमन राइट्स की बात कौन करेगा? उसका जीवन अंधकार में डालने का हमें क्या हक है? तो इसी चीज को लेकर वो रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड एक्ट, एक बिल ड्राफ्ट किया गया। जो लोग परिवार को नियोजित रखें उन्हें कुछ सुविधाएं दी जाएं, जो लोग नहीं रखें उन पे कुछ पेनल्टीज लगाई जाएं, जिसमें जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी चीजों को छोड़ते हुए, जैसे उदाहरण के तौर पर आज भी जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनको इनकम टैक्स में 2 बच्चों के ट्यूशन फी के लिए एग्जेम्पशन मिलता है, 3रे के लिए नहीं मिलता। जैसे आज भी बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर लोकल बॉडी इलेक्शंस जो हैं, वहां पर जिनके 2 बच्चे होते हैं वही ग्राम प्रधानी और इन सबका चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं लड़ सकते। बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं हमारे देश में जहां पर गवर्नमेंट जॉब के लिए 2 बच्चों का प्रावधान लागू है। बहुत से ऐसे भी राज्य हैं हमारे देश में जहां पर जिन सरकारी कर्मचारियों के 2 बच्चे होते हैं, या तो उनके छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष हो चुकी हो और या उन्होंने स्टेलाइजेशन करा लिया हो, तो उन्हें एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे कि मैटरनिटी लीव पहली 2 प्रेगनेंसीज पे दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान आज भी लागू हैं विभिन्न चीजों में। अगर इसे हम और ज्यादा इंट्रोड्यूस करते हैं, हम कहते हैं कि अगर किसी को आर्म लाइसेंस लेना है तो वो उसे ही मिलेगा जिसके 2 बच्चे होंगे, तो उसमें क्या गलत है? हम कहते हैं कि किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, चाहे वो एडॉक पे हो, किसी भी तरह से हो, वो उन्हें ही मिलेगी जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, इसमें क्या गलत है? हम कहें कि कोई भी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हैं, जो भी ठेकेदारी करते हैं, चाहे वो कंपनीज हैं तो उसके डायरेक्टर्स, चाहे वो फर्म्स हैं तो उनके पार्टनर्स, या कोई इंडिविजुअल ठेकेदार, तो वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें ही मिलेंगे जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, इसमें क्या गलत है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि हम लोग प्रमोट कर सकते हैं लोगों को और बाउंड कर सकते हैं कि वो अधिक बच्चों को जन्म ना दें। बहुत से लोगों का यह भी तर्क है कि हम परिवार नियोजन की सुविधाएं नहीं दे पा रहे, घर घर तक नहीं पहुंचा पा रहे, उन्हें वो नॉलेज नहीं दे पा रहे। तो जब हम हर घर तक बिजली पहुंचा सकते हैं,
जब हम हर घर तक सड़क पहुंचा सकते हैं, जब हम हर घर तक पानी ले जाने की बात करते हैं, तो हम परिवार नियोजन की चीजें क्यों नहीं पहुंचा सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब डिलीवरी के लिए डॉक्टर के पास कोई दंपत्ति जाए तो क्या नहीं पता होगा कि ये इसकी पहली प्रेगनेंसी है या दूसरी है? क्या वहीं पर ही जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं देश में, क्या वहां पर हम काउंसलर्स की व्यवस्था नहीं कर सकते जो कि उस दंपत्ति की काउंसलिंग करे और उसे बताए कि स्मॉल फैमिली से आपको क्या लाभ है? या वो दूसरी बार की डिलीवरी के लिए आए तो उन्हें फैमिली प्लानिंग मेजर्स के बारे में बताए? लेकिन क्या हुआ है आज तक? विभिन्न संगठनों के द्वारा अवेयरनेस कार्यक्रमों के नाम पर लाखों करोड़ रुपया बर्बाद हुआ है आज तक। तो इसलिए आवश्यकता हमें नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जीवन हम लोगों ने जी लिया है, थोड़ा बहुत जितना भी बचा है हमारी तो कट जाएगी, दिक्कत आप लोगों को आनी है। आप अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं लेकिन आप साथ में ये भी जरूर पढ़ते होंगे कि नौकरियों का अभाव है। जब नौकरियां 100 होंगी और नौकरी की लाइन में लगने वाले 1,00,000 होंगे तो सबको नौकरियां नहीं मिल सकती। कोई भी वादा करे, कोई भी नेता वादा करे, कोई भी राजनीतिक दल वादा करे, कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने देश की इस पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना, जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यूनाइटेड नेशंस बात करता है, यूएनडीपी बात करता है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब हम संसाधनों के हिसाब से विकास कर पाए। तो इस समय हमारे देश की पॉपुलेशन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बन चुकी है। क्योंकि डिविडेंड वो तब होती है, किसी को भी डिविडेंड तब ज्यादा मिलता है जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। जो भी लोग इसके विपरीत में बोलते हैं उन्हें आपको जवाब देने की आवश्यकता है, देश को जागरूक करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इस विषय पर सोच रहे हैं, पूरा देश सोच रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग भी देखते होंगे आपके पास कितने मैसेजेस रोज आते होंगे इस विषय से संबंधित। देश के बहुत बुद्धिजीवी, बड़े प्रतिष्ठित, बड़ी सेलिब्रिटीज, उन लोगों ने भी सोचा है, एक गीत तैयार करा है देश के कुछ प्रतिष्ठित सिंगर्स ने। भारत देश अपनी व्यथा बता रहा है कि मैं क्या था और आप लोगों ने मुझे क्या बना दिया है। तो वो इस देश से आह्वान कर रहा है, ऐसा एक गीत कुछ प्रतिष्ठित गायकों ने गाया है, मैं चाहूंगा कि अगर वो चल सके तो वो गीत चलाया जाए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।